हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किन्स जोन। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं एक प्लांट के ओवरी में, तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सो पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो प्रेजेंटेशन होता है ओवरी में, किसी भी प्लांट की ओवरी में ओव्यूल्स के लगने के ऑर्डर को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो क्या है प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन है किसी भी प्लांट में फीमेल ऑर्गन यानी गायनोशियम में जो ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल्स के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है वहाँ पे प्लेसेंटेशन डैश ओवरी डैश ओव्यूल ऑर्डर। मतलब क्या है ये? ओवरी में ओव्यूल्स के लगने का ऑर्डर है प्लेसेंटेशन। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिनल। मार्जिनल से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, अब बस आप पी के जो मटर होता है उसका आपको छिलका याद रखना है और उससे आपका एक काम हो जाएगा। तो मार्जिनल क्या होता है? इसमें टू रोज होती है। आप देखेंगे कि दो रो में जो होता है वो पी के जो पी मटर के दाने जो होते हैं वो लगे होते हैं। तो और ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो जो ये ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ पी ही याद कीजिएगा क्योंकि पी ही आता है। इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे कि इमली, टैमरिंड, ऑर्केशिया, गुलमोहर, ये सारे एग्जाम्पल भी आपके प्रेजेंटेशन मार्जिनल प्रेजेंटेशन के हैं। तो ये था आपका, और ये मैंने एक डायग्राम भी बना के रखा है, मैंने बता के रखा कि मार्जिनल का है। दूसरा हमारा प्रेजेंटेशन है एक्साइल। एक्साइल के नाम पे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्साइल यानी एक्सेस, मतलब जो भी किसी जो भी जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी फ्लावर के एक्सेस में लगे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइल। एक्सेस मतलब सीधे सेंटर वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए, बिकॉज डायग्राम से ही हमको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा किसका है? आप यदि नींबू को कट करेंगे और आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही डायग्राम, आज आप कट कीजिएगा नींबू और उसको देखिएगा, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। तो नींबू, टमाटर और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम यदि उनको बीज से काटेंगे तो उनमें ऐसी ही कुछ हमें मॉर्फोलॉजी दिखाई देगी उन सभी में। सो इसका हम देख लेते हैं कि ये किस में मिलेगा। इसमें ये उन गायनोशियम्स में मिलेगा या उन फ्लावर्स में मिलेगा जिनमें जो कार्पल्स होते हैं किसी भी गायनोशियम के, वो मल्टी मतलब बहुत सारे हों, बहुत सारे हों, मतलब एक नहीं बहुत सारे हों उसमें, मतलब मल्टी कार्पलरी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलेगा। सो इसमें क्या होगा? ओवरी जो होगी वो मल्टीथीकस होगी, मतलब ओवरी में कई कोस्ट पाए जाएंगे, मतलब कई चैम्बर्स होंगे। ओवरी मल्टीथीकस का मतलब होता है। और ओवरी आर प्रेजेंट इन मिड रीजन। ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन मिड रीजन। जो ओव्यूल्स होंगे वो मिड रीजन यानी बीच में, आप देख रहे हैं ना ये वाली कंडीशन, वन मिनट ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मिड रीजन में प्रेजेंट है सारे के सारे ओव्यूल्स, ठीक है। और ये हमारी सेंटर एक्सेस है, ये वाली जो है हमारी वो सेंटर एक्सेस है। और आप देख सकते हैं कि ये था हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो इसके जो एग्जांपल है वो है गुड़हल यानी हिबिस्कस, टोमेटो और लेमन। इन सबको आप बीच से काट के देखिए, सब में ऐसी कंडीशन मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड प्लेसेंटेशन की, विच इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। सो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं कहाँ? पेरीफेरी रीजन में। पेरीफेरी रीजन किसको बोलते हैं? जो सेल वॉल से अटैच होता है उसी को बोलते हैं पेरीफेरी रीजन। ओके, सो इसमें क्या होता है? इसमें मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये पूरा एक फ्लावर है और इस फ्लावर के पेरीफेरी रीजन में क्या हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। सो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते कहाँ? पेरीफेरी रीजन ऑफ फ्लावर्स।
ओके, सो ऐसा हमको किन प्लांट्स में देखने को मिलता है? मस्टर्ड एंड ऑर्जिमोन, इनके दो नाम आप याद रख लीजिए। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है, मैं लिखना भूल गई हूँ पर मैं वीडियो में बता देती हूँ कि इसकी जो ट्रिक है वो है माँ, माँ से हो जाएगा, माँ के एम से हो जाएगा मस्टर्ड एंड ए से हो जाएगा आर्जीमोन, ठीक है। और जो मस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी एक और भी सॉरी प्लांट्स होते हैं उनकी एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसमें रेपलम प्रेजेंट होता है, और दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ नीट, मतलब मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसमें रेपलम प्रेजेंट होता है। और ये क्यों प्रेजेंट होता है ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो ये जो मस्टर्ड प्लांट है वैसे तो होता है ये यूनिलॉक्युलर, बट जब इसमें रेपलम प्रेजेंट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये बाइलॉक्युलर हो जाता है। ओके, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बाइलोब्ड हो जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं फ्री सेंट्रल में। फ्री सेंट्रल क्या होता है? प्री सेंट्रल होता है कि कोई भी जो मिड रिब होती है, जैसे कि आपने मैंने पहले वाले उसमें बता के रखा है एक्साइल में क्या होता है कि वो जो मिड रिब्स होती हैं वो जाके सेंटर वाले ओव्यूल से जाके अटैच हो जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो सेंटर होते हैं वो फ्री होते हैं, किसी भी तरह के मिड रिब से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक, किसी भी तरह के मतलब फ्री सेंट्रल होते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्री सेंट्रल। जो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंटर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डायन्थेस और प्राइमरोज। और इसकी मैंने एक ट्रिक बना के रखी है, वो है डीपी, जो आप लगाते हैं व्हाट्सएप पे, वही वाली डीपी। ये है फ्री सेंट्रल का आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, सो आपको मेरी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहेगी। और